Hi guys, it's time for Boosting Happiness! सॉल्ट स्टिक दिख रही है? सॉल्ट स्टिक नहीं है मुझे लग रहा है। हाय, डू यू हैव सॉल्ट स्टिक? कैन वी टेक वन सॉल्ट स्टिक विद चीज प्लीज? एंड यस, दैट्स ऑल। या थैंक यू। सही है, कॉफी का मन था, इतनी गर्मी है। चीयर्स, थैंक यू। चलें, चलो लेट्स कीप वॉकिंग। अब हम फाइनली वॉल्स ऑफ डुब्रोवनिक का टूर स्टार्ट कर रहे हैं। डुब्रोवनिक यहाँ से एंट्रेंस लेके ऊपर जाना होता है, एंड देन ये वॉल्स के अंदर ऐसे पाथवे बने हुए हैं जैसे गेम शोज में दिखाते थे गार्ड्स वगैरह और ये सब, ऐसे इसके अंदर इस साइड में ऐसी तो था, देखो ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे मारते थे। हमें CGI से ज़्यादा वो दिखाया था, बट ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करो। वाह, देख यहीं तो उन्होंने गाने शूट करे थे वो रणबीर कपूर वालों, यहाँ पे ऐसे भागते हुए इसके अंदर से जाते हैं। ले आ जा, वो ग्रीस था या यही था? यही लग रहा है मुझे तो। अच्छा, ग्रीस था। हम अपनी मूवी बना रहे हैं और क्या। उसको वहां जाके फोटो लेनी थी, वहां अभी से ही थक गए लड़की। चलो चलो चलो, उसने बोला था 900 स्टेप्स है भाई। 900? हाँ जी, बट काफी तो तूने अभी निकाल ही लिए। चल आराम से जाएंगे। वो देख सारे वहाँ भी घूम रहे हैं। ये पूरा वॉल्स ऑफ डुब्रोवनिक बेसिकली ऐसी तो दिखाते थे गेम ऑफ थ्रोन्स में, ऊपर से सिटी ऐसी इसी कलर बिल्डिंग थी पूरी, ब्राउन एंड ऑरेंज टॉप। क्या व्यू है भाई। अरे मैडम, आपको सिटी टूर कराना है मैडम। शमशेर यहाँ भी आ गया आपके पीछे। सिटी टूर कराना। शमशेर आपको पीछे करते करते क्रोएशिया भी आ गया, गाड़ी चला रहे आपके लिए। गाड़ी चला रहा है। चार घंटे रोज इधर से उधर भगा रहे। मैडम आप कहो तो आपको वहाँ ऊपर केबल कार भी ले जाए। पर पार्किंग बहुत दूर कर दी आज। मैडम आपको घर भी तो दिलाया वहाँ पे। क्या दिला दिया मैडम, दिला मिला दिला, बहुत चला के लाए हो मैडम। थोड़ी कष्ट तो हमारे साथ भी कर लो। हम ही कष्ट करते रहे। ओह व्हाट इज सीन यार। देख वो ही है वो बेल जो शायद गेम ऑफ थ्रोन में दिखती थी, और ये से टावर जहाँ पे उन्होंने शूट किया होगा, और इधर भी है और स्टेप्स। अभी ना ये देख, वो भाई साहब ये इनका ऑफिस होता होगा। नहीं ये जेल है जहाँ बंद कर देते हैं, ये ऑफिस नहीं है। नहीं ऑफिस होगा। अब ना ये तुझे जेल नहीं दिख रहा। ये कैसा जेल है इतना नॉर्मल डोर के साथ? वो अब बने ये डोर। हमेशा जो जेल्स और प्रिजन वाली जगह होती थी ना वो अंडरग्राउंड होती थी ताकि उन्हें कुछ भी ना दिखे, इसीलिए वो थोड़ा अंदर है, डार्क है। यही तो देखो देखा ना तेरे पापा को है ना, ये रहा वो टेंपल या चर्च जो गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाते थे, पूरा वही है यार, सब समझ गया मैं। अरे नीचे आ। अरे अब कहाँ जाऊँ? यहाँ पैर टूटेगा ना, हॉस्पिटल भी नहीं पता हमें। वैसे कैसे टूट जाएगा, मुझे ऐसे बैठ के कहीं लेनी है। मुझे डर लग रहा है, जैसे ऐसे बैठी ना इतना डर लग रहा है ना मुझे, एकदम स्ट्रेट फॉल है। ओ भाई साहब, यहाँ से कोई नहीं बचेगा। एक इंडियन टूरिस्ट इंडिया से यूके गई, नहीं फोटो एक इंडियन टूरिस्ट यूके से आई और क्रोएशिया की वॉल्स जो ब्रोवनिक से गिर गई। चुप चल। अच्छी आई है फोटो। हाँ, फिर नीचे नीचे के ऊपर से नीचे ही। यहाँ है डुब्रोवनिक की ऑरेंज वॉल्स। यस, ऑरेंज टॉप। और यहाँ है जूस शॉप। वाह क्या बात है। मम्मी के पास
ऐसी अभी भी ऐसी है ना, सिल्वर की ही जैसे कि मेरी मम्मी की है, उनकी भी ऐसी थी ऐसे, और उसके नीचे ऐसे पैर वाला अभी भी है, मतलब पड़ी है घर पे, अब चलती नहीं है बट रखी हुई है। जूस पीने के लिए काफ़ी अच्छी दुकान है। देख मैं क्या सोचा था, तू क्या सोच रही थी, यही था वो मैं तुझे बता रहा था। बहुत स्टार है रिया, संजय, सन्ना और अनु। अनु अनु तू क्या कर रही है यहाँ पे? ये संजय कौन है? प्रोज है ना, प्रोज। अब हम जा रहे हैं और आगे, वहाँ से होते हुए अब हम सी साइड से होते हुए फिर वहाँ एंड करेंगे एंड फिर जाएंगे, बहुत सारा खाना पीना है ना, बहुत भूख। और हमें बुक भी करना है कुछ टूर वगैरह शायद, इधर से व्लॉग भी ले रहा है तो इधर से ले। अच्छा, क्योंकि बैकग्राउंड में वो आना चाहिए। बात सही कह रहे हो आप, वैसे सीख गए हो। ऐसे मैं टेके लेके खड़ी हूँ यहाँ अक्सर आ जाती हूँ, पहले जूस पीती हूँ वहाँ पे फिर यहाँ आ जाती हूँ ऐसे खड़े होने। सही बात है। वैसे मैं देख रहा हूँ असली मजा तो यहाँ आएगा बास्केटबॉल खेलने में, काफी तेज यहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि पापा की फेवरेट डेस्टिनेशन है तो वो उनको फोन पे दिखा रही है। तो ये जो वॉल्स ऑफ डुब्रोविक है उसके अंदर पीछे सारा ओल्ड टाउन है। वो बता रहे थे कि जब इन्वेडर्स आते थे या वॉर होती थी तो ये सब वॉल्स के अंदर सब रहते थे और नीचे से गेट्स बंद हो जाते थे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स जो भी दिखाया था। और पीछे ये सारा न्यू टाउन है, मतलब ये नया उसके बाद का डेवलपमेंट है, मॉडर्न डेवलपमेंट सारी इस वॉल के बाहर है। अंदर अभी यहाँ पे सारी मॉडर्न शॉप्स हैं, लोग भी रहते हैं, रूम्स हैं, अपार्टमेंट्स, होटल्स, ऐसे सारे इसका स्ट्रक्चर है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये सस्ती जो लग रही है एकदम, ये इन्होंने एक्सटेंशन और कुछ रीइंफोर्समेंट्स करी हैं। काम चलाओ, गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, पैसे पूरे लेती है, पार्किंग महंगी महंगी कर दी, ये काम सस्ते। ये नॉन सिटीजन वाली बात है, यहां शुरू कर रहा है बाय द वे। क्योंकि बोलते भी हैं कि वो भी क्रोएशिया का है भी नहीं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, वो बोलते हैं, मैंने बातें करी है ना क्रोएशियंस, वो कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट करप्ट है। हम लिया खड़े होके फ्री में गाइड कर रहे हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं, हम वीडियो ले रहे हैं, वो सब सुन लेते हैं क्या चल रहा है, पता चल जाएगा। चलो दिन का टाइम को पता नहीं बट वेदर सही आया हूँ। वेदर सही है, ये मैं देखो स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि वेदर ये वाला बढ़िया है, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कड़ी धूप नहीं है, मतलब हम सुबह आते मैनेजर ने बताया था मुझे, कोई जरूरत नहीं, तूने कड़ी बोल दिया ना, हम मेरा कड़ी चावल खाने का मन कर रहा है, बना दूंगी इस वीकेंड। इन हाथों में जो जादू है ना, वाह और बना कड़ी चावल। ऐसे तो कभी किसी ने मुझे कमेंट मेरा खाना किसी ने खाया भी नहीं है इसके अलावा। नहीं, कड़ी चावल बहुत सही बनाती है तू, इस बार तो क्या अभी तक हम सोया वाला बनाते थे ना, अब मैं थोड़ा हिंदी आयुर्वेद और इस सब में आ गया। अरे किसी को पता नहीं है, रुको मैं बताती हूँ, इसकी नए नाटक वीगनिज्म खत्म हो चुका है। नहीं, नहीं। अभी सिर्फ नए नए फैट चलते हमारे घर में, ऐसा कुछ अभी मीट तो देखो हम छोड़ चुके हैं, वो तो पक्का मीट इज नॉट ऑफ कांस्टेंट करेक्शन। तो मेरे को जैसे जैसे मैं नया चीजें पढ़ता हूँ समझता हूँ, चुप रहे अभी मैं बताती हूँ इसको ना। पता क्या हुआ था, मेरी मम्मी बोलती की बेटा मीट मत खाओ, सही बात है जो वो छोड़ रहे हो ठीक है, बट ये तो खाया करो ना, दूध दही तो इम्पोर्टेंट होता है। क्या था? नहीं, दूध में तो ये होते हैं वो होते हैं, दूध नहीं खाना चाहिए, एनिमल के प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। नहीं, और इसने मेरा भी ऐसे पागल बना दिया, मैं तो कुछ भी जो ये करता है वो मैं करने लग जाती हूँ कि नो दही हो गया, नो दही मिल्क, ओके मिल्क, सोया मिल्क, ओके सोया मिल्क। फिर फाइनली अब क्या हुआ है, इसने कुछ आयुर्वेदा के वीडियोस देखे और आजकल ये बाबा रामदेव जी को फॉलो करने लगा, और उसके बाद इसने डिसाइड किया कि हम दूध खा लेंगे, हम दही भी खाएंगे, हम दूध भी खाएंगे। अभी तक हम सोया दही की कड़ी बना के खाते और वो भी अच्छी।
रही थी लेकिन स्टिल सोए दही की। नहीं रीजन क्या है, देखो मैं बहुत चीजें देख रहा हूँ ना, अब बाबा रामदेव को देखो, जब हम छोटे थे तब भी वो योगा कर रहा था, अभी हम इतने बड़े हो गए वो भी इतना बड़ा हो गया, अभी भी मस्त योगा वैसे ही कर रहे हैं, तो मतलब कुछ चीजें तो काम मतलब कर ही रही है ना, ऐसा तो है नहीं। मेरे दादाजी भी योगा करते थे, इसके चलते नहीं 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 सब देख, मैं धीरे धीरे चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी भी लाइफ चल रही है ना, अभी मैं छोटा हूँ धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, ऐसे तुम सीखते हो। जैसे मेरे दादा ने पहले दिन से तो नहीं करी ना योगा, पहले दिन से चंद्र प्रभावटी और ये सब तो नहीं खाते थे, पर अब मैं देख रहा हूँ कि अब वो 80s में जा रहे, 90s जा रहे, मेरे दादा अभी भी फुल अपनी बढ़िया हेल्थ में चल रहे हैं। कुछ कोई कुछ कह रहा है क्या, मेरे कान में कुछ हो रहा है। आयुर्वेद तो लिखा हुआ है कि जो गाय का दूध होता है वो सबसे बेस्ट होता है, तो मैं एकदम बढ़िया गाय का दूध लेके आऊंगा, दही दूध पनीर सब चलेगा इस घर में, बस वो नहीं मतलब मीट वगैरह नहीं खाएंगे। क्रोएशिया में दूर कहीं एक बॉस्निया कंट्री को क्रॉस करके दुब्रोवनिक जाके दूध दही की बातें कर रहा है। एक्सीलेंट आयुर्वेद। यहाँ हम अभी गए थे टॉप से, जहाँ से वो ऑरेंज रूफ टॉप्स वाला व्यू दिखता है, और ये जो है ना, ये सारी वॉल्स ऑफ दुब्रोवनिक है, जो ये सारा है जो हमने पूरा घूम लिया है, कवर कर लिया है पूरा वॉल्स ऑफ दुब्रोवनिक, और जो ये है ये यहाँ जाने की टिकट नहीं लगती, जहाँ हम अभी गए थे और ये पूरे रास्ते की टिकट लगती है। ये इनका प्लाजा है, हाँ, तो ओल्ड सिटी है, और यहाँ पे नॉर्मल पूरे स्टोर्स हैं, ज़ारा वगैरह, ज़ारा नहीं बट उस टाइप के सारे स्टोर्स और आइसक्रीम शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह। काफ़ी क्रेजी है ना कि मॉन्यूमेंट के एकदम, मॉन्यूमेंट नहीं जो भी इनका हेरिटेज साइट के एकदम सामने ऐसे रेगुलर लोग शॉपिंग करे, और कोई एक नाई की दुकान भी थी, कोई एक बाबर शॉप में कोई अपने बाल कटवा रहा था। वो किसका घर है? किसका घर है? वो टेरेस जैसी छोटी सी बालकनी। वही तो मैं कह रहा था, किसी ने अपना डाइनिंग एरिया बनाया हुआ, रहते तो हैं यहाँ लोग, मोस्टली शायद कन्वर्ट हो गए होंगे। हाँ, किसी के कपड़े सूख रहे हैं वहाँ पे, देख। और मैं वहाँ जाऊंगी और तुम मेरी फोटो निकालना। फोटो निकालूं? एक नंबर फोटो निकालूंगा। वो आ गई शिप, ये है पार्टी शिप्स, यहाँ पे ये जाती हैं, हम शायद इसी पे जाएंगे टूर पे। आजा इस व्यू के साइड में, लोग ऐसे रहते हैं यहाँ पे, कितना सही है। ये बच्चा खेल रहा है, इसको पता भी नहीं है कितना लकी है, अंकल बैठे हैं, क्रेजी। एंड साइड में ये व्यू है, और ये अभिनव, आजा, ऐसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्रेजी। देखिए गार्डन्स, कलर्स, ये फ्लावर्स वार्स, और लोगों के घर देख के ना मुझे वैसे याद आ रहा है वो गेम ऑफ थ्रोन्स में बूढ़ी आंटी नहीं थी जो ऐसे कवर्ड सर रखती थी, और उनकी बेटियां थी प्यारी प्यारी, और एक वो छोटे राजकुमार से शादी कर लेती हैं जो सुसाइड मार लेता है एंड में। उसका नाम कुछ एम से था, मिस एंड्री थी, पता नहीं कौन थी छोटी जो थी। जब हमारा ट्रिप खत्म हो जाएगा ना, फिर घर जाके कुछ नहीं देखेंगे, गेम ऑफ थ्रोन्स फिर से देखेंगे। आई थिंक वो बेटर है, क्योंकि ये हमें सब गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला रहा है, फिर सारे फिर से हम देखेंगे, अरे ये क्रोएशिया वाले। इसका व्यू क्या है यार, ये है इसका व्यू, क्रेजी। पहले ना जब ये अपने टाइम पे ना वॉल्स, जो ये घर है ना उनकी हाइट्स लिमिटेड होंगी वॉल्स के नीचे तक, विद टाइम इन्होंने अब परमिशन देके लोगों को ऊंचा कर दिया है। ये भी शूट कर रहा हूँ ताकि जब हम फिर से गेम ऑफ थ्रोन्स रीरन देखेंगे फिर हमें याद आएगा, अरे ये 3 बेल्स तो उसमें भी थी। कल हम भी यहीं से जाएंगे ऐसी किसी बड़ी बोट में, है ना, पायरेट शिप में कॉन्कर करने। मैं जा रहा हूँ जिसको स्विमिंग भी नहीं आती। लेकिन ये तो अभी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट इन्होंने नहीं, आई थिंक ये वापस आया अभी, ये यहाँ पे नाउ दे आर स्टेशन देयर, किसी ये गली में ना मुझे लग रहा है कहीं शूटिंग हो रखी है।